शांति। आज की तारीख है 2/6/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। अवगुणों को निकालने पर हम खूब मेहनत करें, जिस गुण की कमी है उसका पोता मिल रखो। माना चार्ट लिखे हम अपनी, रोजनीसी लिखे, दिनचर्या लिखे और उसमें मेरे अंदर क्या कमी है उसका हम चार्ट रखें। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। कितनी सरल युक्ति बता दी, अपने गुण हम दूसरे में भरते चले जाएं या फिर हम ऐसे कर्म करें, ऐसी चलन चलें कि हमसे वो कुछ गुणों को अपने में सीख करके धारण करे या गुण धारण करने की प्रेरणा ले। तो गुण दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? मीठे मीठे बाप दादा ने हमें अमृत वेले से लेकर के रात्रि के सोने और स्वप्न तक की श्रीमतें दी हुई है, तो कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, मीठे बच्चे गुणवान बनना है तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं, एक तो किसी की भी देह को मत देखो। देह में क्या देखें? आत्मा भाई भाई देखें, अपने को आत्मा समझो। फिर एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी न हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। छोटी बड़ी गलती, माना वह हमारी भूलें जो होती हैं, वो अवश्य कोई ना कोई फिर पाप का रूप पकड़ लेती हैं। तो देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी उनको ठौर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला न हो। नंबर 2 धारणा है, अंदर की बीमारियां, यानी आत्मा के अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है। अवगुण छिपाने नहीं है, अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। इंसान क्या करता है, गुण को तो प्रकट करता है पर अवगुण को छिपाने की कोशिश करता है। समझता है मेरा अवगुण सबको पता चलेगा तो मेरी बेइज्जती होगी। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। वरदान है आज का, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या और क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इस शान में रहो तो कभी भी बाप दादा कहते हैं कि परेशान नहीं होंगे। स्लोगन है आज का, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है, यही आपका परिचय है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।